नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्राकृतिक आपदा के कारण जहां किसान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं अब नहर बंद ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। टीम बीकेई अध्यक्ष ने एक प्रेस बयान में बताया है कि अप्रैल के महीने में नरमा और कपास की बिजाई का पूरा सीजन होता है, लेकिन हरियाणा सरकार और नहरी विभाग सिरसा की किसानों के प्रति नकारात्मक सोच के चलते भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ग्रुप की बहुत सारी नहरें 18 अप्रैल से लेकर 2 मई तक बंद कर दी जाएंगी, जिससे किसानों को गेहूं कटाई के बाद अब आगामी फसल की बिजाई करने के लिए सिंचाई करने में दिक्कत होगी। वहीं भीषण गर्मी के दौरान गांवों में पेयजल की भी किल्लत हो जाएगी। कुछ गांवों में तो लोगों को मजबूरन पानी टैंकरों से मंगवा कर पीना पड़ रहा है। यही नहीं, चौपड़ा क्षेत्र के कई गांवों में जो सेम ग्रस्त हैं, वहां ट्यूबवेल का पानी सप्लाई होने से लोगों में उल्टी दस्त की बीमारी पड़ रही है। जिन नहरों की बंदी की गई है उनमें मम्मड़खेड़ा, कालुआना, केवल, मिठड़ी, डबवाली, मौजगढ़, जंडवाला, चौटाला, तेजाखेड़ा, लोहगढ़, कालुआना, लिंक चैनल, लंबी माइनर, मसीता माइनर, अबूतगढ़, ओटू फीडर, एसजीसी, एनजीसी इत्यादि नहरें आती हैं। इसके साथ साथ सिरसा मेजर, कुतियाना, बरूवाली शामिल है। 26 दिसंबर 2022 से 3 जून 2023 तक 2 हफ्ते नहर चलने और 2 हफ्ते बंद रहने का शेड्यूल बना हुआ है, लेकिन बिजाई के समय ये नहरें 1 सप्ताह चलाकर बंद कर दी गई हैं। फतेहाबाद से लिंक, वन मंदौरी, गिगोरानी, तिली मंदौरी, शेनावाली, नोहर फीडर, सुखचैन इत्यादि नहरें 2 जून तक चलेंगी। नहरी विभाग का कहना है कि अगर पानी और आ जाता है तो छोटी मोटी नहरें और भी चला सकते हैं। बीकेई अध्यक्ष ने कहा है कि किसानों को लगा था कि गेहूं और सरसों की फसल नष्ट होने के बाद सरकार उनकी आगामी फसल के लिए मदद करेगी, लेकिन सरकार ने मदद की बजाय किसानों के लिए और मुश्किलें पैदा कर दी हैं। टीम बीकेई किसानों से संपर्क कर इस समस्या को लेकर जल्द संज्ञान लेगी ताकि किसानों की बिजाई प्रभावित ना हो। सिरसा से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। किसान साथियों, नरमे ते कपाह दी बिजाई दा टाइम है। अप्रैल दा महीना साडी बिजाई दा बिल्कुल जड़ा पीक महीना हुंदा, इस दे विच सब तो ज्यादा किसान जो बिजाई अप्रैल दे महीने च करदे आ। ते पहलों साडे ते गड़ेमारी ते भारी बरसात दी जिहड़ी आपदा आई सी, उस दे विच असीं उभर नहीं पाए। ते हुण नहरी विभाग ते हरियाणा सरकार ने एक सिरसा जिले दे नाल एक होर बहुत वड्डा जो कुठारघात कीता है। पूरे जो शड्यूल है पानी का नहरा चलन का, वो 26 दिसंबर तो लैके 2 जून तक बनया हुआ सी भी 2 हफ्ते चलन गियां, 2 हफ्ते बंद रहन गियां। लेकिन हुण 1 हफ्ता पहलों ही साडियां ज्यादातर नहरां जिहड़ियां बीएमबी ए दे विच आउंदियां ने, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जिहड़ा ए कैटेगरी है, उहदे ज्यादातर नहरां जिहड़ियां सरसे जिले दियां आउंदियां, वह सारियां दे सारियां जिहड़ी 18 तरीक तो बंद हो रहियां ते 2 मई तक बंद रहनगियां। 4 या 5 नहरां जिहड़ियां फतेहबाद नाल लिंक ने, जिवें कि गोराणी, नोर फीडर, सुखचैन, 2-3 नहरां होर ने, 5 या 6 नहरां पूरे जिले चलन गियां, बाकी सारियां नहरां बंद हो रही ने। एक तो पूरा जिहड़ा साडा नरमे रौनी करनी है, रौनी करके नरमा बीजना, उस तो रह जाएंगे। दूजा नंबर पीण वाले पानी की भी किल्लत आ जाऊगी, क्योंकि बोरां दे पानी सारी जगह खराब ने, तो मौसम बदल रहा, सारी कई तरह दी बीमारियां भी ने। तो उस करके असी साडी जथेबंदी भारतीय किसान एकता इस तो उपर संज्ञान लैंदी हुई अपने पूरे जिले भर के किसानों के नाल राबता कायम करके एक वड्डा संघर्ष उलीकेगी, जे अगर नहरी विभाग ने इस से संज्ञान ना लेंदे हुए जिहड़ी 8 दिन की बंदी उहनूं अगे पा के, क्योंकि ये जिहड़ा टाइम है चाहे हफ्ता हफ्ता दा करन चाहे किवें करन, क्योंकि बिजाई दे समें दे विच किसान नूं पानी की लोड़ है, उन्हें रौनी करनी है, तो उसका पानी है जिहड़ा उहनूं पूरा मिलना चाहिए। यही साडे जिहड़ी जथेबंदी वालों भारतीय किसान एकता वालों सरकार नूं ते नहरी विभाग नूं अपील है भी किसान पहलों ही बहुत बैकफुट ते बहुत ही ज़्यादा मार झेल रहा है, ते हुण आने वाली बिजाई दे नाल भी इस तरह किसान दे नाल जिहड़ा सतेला व्यवहार ना किया जाए, उन्हूं पानी जिहड़ा है उहदा बणदा पानी दिता जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।